जीजा, आपने अपनी ब्राइडल जो ट्रॉली पैक की थी उसके अंदर जो दो बैग थे उनमें क्या था? एक में मेकअप का था, देन एक था ब्राइडल किट बोल सकते हैं या बीनणी का किट बोल सकते हैं, जिसके अंदर ब्राइडल की जो डेली रूटीन के अंदर जो सामान होते हैं वो सब थे। और मस्ट है कि आपके पर्स के अंदर जो है वो बिल्कुल फ्यू सामान रखते हैं आप, जो एट ए टाइम आपको नीड होती वो। उसके अलावा जो सामान था, तो ये था मेरा बीनणी का किट बोलिए, ये ब्राइडल किट बोलिए। सो इसके अंदर क्या क्या सामान था, आज मैं इसी टॉपिक पर आप सबसे बात करने वाली हूँ। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत ही बढ़िया हैं। सबसे पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस सुंदर से फैमिली का हिस्सा बन जाइए। देन अब मैं आपसे बात करते हैं स्टार्ट से। सो मेरे जो ब्राइडल सूटकेस या ट्रॉली थी उसके अंदर मेरे ये दो बॉक्सेस थे, और इसमें से एक बॉक्स में ब्राइडल का मेकअप था, जिसकी मैंने एक वीडियो प्रॉपर अपने चैनल पर बना रखी है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाएगी। सो इसके अंदर मैंने है ना क्या रखा था और क्या क्या जो नीड है आपको एक्स्ट्रा सामान की, उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो ये बॉक्स आप जैसा भी लेना चाहें ले सकते हैं, लोकल मार्केट से, ऑनलाइन, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं आप ले लीजिए। और मैंने इस बॉक्स के अंदर जो जो सामान रखा बिल्कुल मेरा प्रॉपर जितनी नीड थी उतना ही रखा। मैंने एक्सेस सामान कहीं पर भी यूज़ नहीं किया है, अपने पूरा वेडिंग टाइम के जो ड्यूरेशन था उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। देन सबसे पहले है वैसलीन। वैसलीन एक ऐसा मतलब ये आपका मेकअप रिमूवर भी है। अगर आप सर्दियों के टाइम है, जैसे कि विंटर्स चल रहे हैं अभी और अपकमिंग मंथ्स में ब्राइडल्स को इसकी बहुत नीड होगी, तो फर्स्ट जो मॉइस्चराइजर मैं यूज़ करती हूँ वो वैसलीन होता है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। देन है सिंदूरदानी, इस पर घुंघरू लगे थे अभी वो हट चुके हैं। और देन ये निविया का पर्ल एंड ब्यूटी का, ये अंडर आर्म्स के लिए है, ये काफ़ी अच्छा और बहुत ही कंफर्टेबल है, प्लीज़ इसको तो आप ले लें। और ऑनलाइन भी बहुत इजीली मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। देन नेल पेंट, जैसे आप चाहते हैं आप अपने जो नेल पेंट लगा के आए वैसा ही लें, जितना हो सके रेड। देन है नेल कटर, शादी के टाइम के अंदर नाखून बहुत आप लोगों को धोखा देंगे, कभी भी टूट जाते हैं और पता ही नहीं चलता। और ये नेल शेपर भी साथ में है, तो ये दोनों आपके साथ होना ही चाहिए। देन है बिंदी, आप जैसे भी बिंदी के साथ कंफर्टेबल है प्लीज़ वैसे लीजिए। देन है क्लचेस, आप जैसा बर्न वगैरह बनाने के लिए, नहाने के टाइम बर्न वगैरह बनाने के लिए क्लच बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप छोटा बड़ा आपके बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देन है रबर बैंड्स एंड नेल पेंट रिमूवर। नेल पेंट आधी निकली हुई है और उसी के ऊपर नेल पेंट लगा दे, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए नेल पेंट रिमूवर होना चाहिए। झट से आप अपनी नेल पेंट साफ़ कर लें और देन लगा लीजिए। मैं ये डिब्बी वाली जो बिंदी होती है उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि नए नए होते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि कब हमारी बिंदी गिर जाती है, तो ये बिंदी काफ़ी चलती हैं। और मेरी शादी के 1 मंथ बाद मेरी मदर ने मुझे बताया था, तो मैंने सोचा इसको आपको पहले ही अपने इस ब्राइडल जो किट है उसके अंदर इंक्लूड कर लेना चाहिए, तो आप प्लीज़ ये वाली बिंदी पक्की लेके आइएगा। देन है कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अब मैंने ये यूज़ नहीं की थी, बट ऐसा होता है ना कि आप जब हैवी ज्वेलरी रिमूव करते हैं तो एज अ ब्राइडल आपके पास कुछ होना चाहिए, आप ऐसे बिना कान में कुछ पहने हुए नहीं रह सकते। देन है ये छोटू सा मिरर, जो जिसकी हेल्प से आप अपने खुद को बार बार निहार सकते हैं। अगर आपके पास मिरर नहीं हो आसपास रूम में तो किसी को बोलना ना पड़े। देन सबसे मस्त था जो पोशाक पिन होती है वो आप प्लीज़ लाइए। और ये स्वेट पैड है, ये भी बहुत 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 ज़रूरी है गर्मियों में, और जिसको ज़्यादा स्वेट होता है मतलब उनके लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप अगर पोशाक वगैरह को केयर करना चाहते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के लिए, तो ये स्वेट पैड ज़रूर लेके आइए। और ये दो तरह के भी आते हैं, एक चिपकाने वाले और एक पहनने वाले, अलग अलग आते हैं, उसका अलग मैं वीडियो बना दूंगी अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे मतलब मैसेज करेंगे तो। देन है ये हुडा ब्यूटी का एलोवेरा शीट मास्क, और ये बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ रखिएगा अपने पास। और ये हैं सारी बिंदियाँ जो मैं आपके साथ बता रही हूँ। डायमंड वाली तो पर्सनली मुझे नहीं पसंद है, अभी भी मेरे पास एज इट इज़ पड़ी हैं, काफ़ी सारे पैकेट्स हैं, मैं कभी बताऊंगी आपको। बट ये होता ना कि कभी कभार ऐसा अच्छा लगता है कि न्यूली मैरिड यूज़ करे, बट ऐसा होता है ना फोटोज़ वगैरह में ये बिंदी मतलब इतना अच्छे से ग्लो, मतलब फोटो ही ख़राब लगती है, पता ही नहीं चलता कि बिंदी लगी हुई है नहीं।
इसलिए मैंने ये बॉक्स वाली बिंदी यूज़ करती हूँ। प्रॉपर रेड कलर, इसमें नंबरिंग आती है, जितने भी आप नंबर लेना चाहते हैं, बड़ी छोटी सब। और देन है हैंकी, तो बस इतना छोटा सा मिनिमल सा है, ज़्यादा एक्सेस सामान हम यूज़ करते नहीं, तो हमें उसको भरना क्यों है, आई डोंट नो कैसे भर लेते हैं, बट मुझे जितना कम्फर्टेबल और जितना नीड है मैंने वैसा ही बैग पैक किया है। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है। प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और भी कोई आपकी रिक्वेस्ट हो, कैसे टाइप की आपको वीडियो चाहिए, अपकमिंग मंथ से आपकी शादी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एवरी टाइम आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। और खमागनीसा।